नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर का जो राइट इशू आया था उसका जो फुल पेमेंट है वो कब तक होगा, और अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तब क्या होगा, और पेमेंट करना कैसे है, क्या कुछ प्रोसेस है, और ये बातें हर किसी कंपनी के राइट इशू पर लागू होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं तो आपकी हमेशा काम में आने वाली है किसी भी राइट इशू में आपको अगर प्रॉब्लम आती है। तो इस समय सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि हम यहाँ पर विकास लाइफ केयर के नॉर्मल शेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर के जो पीपी शेयर हैं आपके अकाउंट में है, अलग से दिखा रहा है इन शेयर्स के बारे में, जिसे हम पार्टली पेड शेयर कहते हैं, और इसका मैसेज भी आपके पास आया था ईमेल वगैरह। और अब हम बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज, आपने राइट इशू में अप्लाई किया, आपने अभी कंपनी का पूरा पैसा कंपनी को नहीं दिया है, ना ही कंपनी ने आपसे मांगा है, और यहाँ पर सवाल यही आता है कि कंपनी हमसे कब मांगने वाली है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कंपनी इस प्रोसेस को लगभग 3 मंथ के बाद करती है, तो हो सकता है ये 6 मंथ बाद भी हो। जैसे ही कंपनी को ज़रूरत होगी आपको पहले से मेल आ जाएगा और आपको ये पैसा पे करना होगा। अब जब आपके पास मेल आएगा तो आपके इन शेयर्स की ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। जैसे अभी आप पीपी शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपका रिकॉर्ड वहां पर होना जरूरी कि आपके डीमैट में टोटल शेयर्स कितने हैं। अब मान लीजिए आपने राइट इशू के द्वारा विकास लाइफ करके 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये एक एग्जांपल है, चाहे विकास लाइफ करो या फिर भारतीय एयरटेल हो या रिलायंस हो या कोई सी कंपनी हो, आपने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपको उतने शेयर्स यहाँ पर मिल गए। आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, 100 आपके डीमैट में आ भी गए हैं जिन्हें हम पीपी शेयर कहते हैं, और उसके बाद आपने 100 में से 50 शेयर्स बेच दिए, अब आपके पास 50 शेयर बचे। आगे चल के आपने वापस से 100 खरीद लिए, आपके पास 150 शेयर हो गए, मतलब कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके डीमैट में होंगे उतने नंबर ऑफ शेयर्स का आपको पेमेंट करना होगा। सिंपल बात ये है, कहने का मतलब आपने चाहे राइट इशू में 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था या 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब जो आपको पेमेंट देना है उस पेमेंट की वैल्यू होगी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में आज की डेट में होंगे, जो भी उसकी डेट डिसाइड की जाएगी। तो ये तो आपको ऐसे पता लग जाएगा, आपके पास आएगा मेल, और मेल के बाद सेम प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह से आपने विकास लाइफ केयर के राइट इशू में अप्लाई किया था या किसी अदर कंपनी के राइट इशू में अप्लाई किया था, सेम प्रोसेस वही रहता है पेमेंट करने का जैसे कि हम राइट इशू में अप्लाई करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हम पेमेंट ना करें तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी है उसके लिए आप उसका पूरा पैसा नहीं दे रहे, नॉर्मल शेयर का अमाउंट आप पे नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी पार्टली पेड शेयर ट्रेड हो रहे हैं और आपके पास वही शेयर है, आप उसका पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, या बाई चांस आप भूल गए या गलती से आपने दिया ही नहीं, तो देखिए सबसे पहली चीज इस पर इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। कंपनी एक डेट डिसाइड करेगी, उस डेट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डेट हो जाएंगे, जितने भी डेज आप डिले करेंगे, उसका आप पर इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, और उसके बावजूद भी आप पेड करते ही नहीं है लाइफ टाइम मान लीजिए, तो आपके जो भी शेयर हैं उसमें से ये पैसा डिडक्ट किया जाएगा, और आपके पास नॉर्मल शेयर होंगे उससे पैसा डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपके डीमैट से भी पैसा लिया जाएगा, क्योंकि आपने कंपनी से ये वादा किया था और आप उन शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। कंपनी अपना लॉस नहीं कर सकती, उसने आपको हिस्सेदारी दी है तो आपको पैसा देना ही देना होगा, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। और ये चीज सभी कंपनियों के राइट इशू पर अप्लाई होती है, चाहे किसी भी कंपनी का राइट इशू हो। अब देखिए पीपी शेयर में गिरावट हो रही है या नॉर्मल शेयर में गिरावट हो रही है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने अप्लाई किया है जो भी सोच करके किया है वो सेम प्रोसेस आपको अब अपनाना ही होगा दोस्तों। बाकी और तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज बचती नहीं है जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दे जाए। सारी डेट आपके लिए क्लियर हो जाएगी, कब स्टॉक में आपको खरीदारी बंद होगी, कब आपके लिए पैसा देना है, कब आप इन शेयर्स को वापस ट्रेड कर सकते हैं, फिर ये सारे शेयर पीपी शेयर ना होकर के नॉर्मल शेयर बन जाएंगे जैसे कि कंपनी के किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो अभी भी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई ऐसी जानकारी जो आप लेना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और ये सारी चीजें आपके काम में हमेशा आने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पर
आपको अगर ऐसा लगता है कि विकास लाइफ केयर की जो राइड्स के शेयर हैं हम सारे के सारे बेच देना चाहते हैं, चाहे आप उसमें लॉस बुक कर रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो फिर आपको इसकी कोई परवाह नहीं करनी है, ना आपको कोई पैसा देना है, क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर उस समय नहीं रहने वाले हैं पीपी शेयर्स के, तो आपके पास ये मैसेज भी नहीं आने वाला है। तो इस बात से आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर आप उस डेट तक शेयर्स होल्ड करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे, और अगर आप शेयर्स होल्ड नहीं करेंगे तो आप पेमेंट नहीं करेंगे, चाहे आपने राइट इशू में अप्लाई किया था या फिर नहीं किया था, इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल बात यही हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम इन शेयर्स को होल्ड करें या हम गिरावट में इन शेयर्स को खरीद लें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके लिए राइट इशू के शेयर गिरावट में मिलते हैं तो आपको वहाँ पर गिरावट का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी शेयर आपको 10% 20% की गिरावट के बाद मिलता है तो आपका वहाँ पर उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसलिए आपको ज़रूर से इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। आप अपने शेयर्स को होल्ड करिएगा मजबूती के साथ में, और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं गिरावट में तो आप उन शेयर्स को खरीद करके बैठ सकते हैं, जिससे कि आप आगे चल के उसका पूरा पेमेंट बाकी का पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपने जो भी 10 से 20% प्रॉफिट ज़्यादा करने की वजह से खरीदा था वो आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये नॉर्मल शेयर्स भी बनेंगे। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीज़ें नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले उन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। सीखने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसे देकर के ही आप सीख सकते हैं। आप अगर YouTube से बहुत कुछ चाहें तो सीख सकते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आपके लिए बहुत सारी जानकारियां बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से टाइम देना होता है। विदाउट टाइम कोई भी चीज़ें यहां पर पॉसिबल नहीं होती है, चाहे आप स्टॉक मार्केट की जानकारी लें, चाहे खाना बनाने की जानकारी लें, या फिर कुछ अदर काम सीखने की जानकारी लें। स्टॉक मार्केट का एक एक पॉइंट आपको नोट करके रखना चाहिए। आप किसी भी चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो उसकी भी बातें आपको एकदम नहीं माननी चाहिए, लेकिन उन बातों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी चीज़ हो, आपको एक बार उसके विषय पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे थे और यहाँ पर एग्जैक्ट बात है क्या, तभी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो है पेशेंस। आपका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपका विजन क्लियर है कि मुझे स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना है, तो करोड़पति बनने के लिए आपका जो पेशेंस है वो आपका उससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ से पैसा बना सकते हैं। लोग 1,00,000 रुपए से भी करोड़ों बना सकते हैं, 10,000 से भी करोड़ों बना सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ रहेंगे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कोई सवाल रह गया हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों।